में आज देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है, जानते हैं कार्यकर्ता की राय क्या कहना चाहिए। बहुत ही जोर और जो महिलाएं इधर बैठी हैं उनका कम से कम महिलाओं के लिए खाना तो आ जाएगा। लोग सर्वेश बघेल के साथ हैं और इनका पुरजोर और किसी आगे ध्यान मिला है सभी लोग तन मन धन से एक बार ये दिया जाएंगे बता देंगे। सर्वेश बघेल के बारी घोषित किए जाने पर यहाँ पर क्या नाम है आपका? अदर सिंह। क्या कहना चाहेंगे आज के सम्मेलन को लेकर? सम्मेलन सर बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। किसको विधायक बनाना चाहते हैं? सर्वेश। सर्वेश जी को जी। आपको बता दें कि कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की तादाद में यहां पर जनसमूह उमड़ा था और प्रभारी के रूप में सर्वेश बघेल को यहां पर नामित किया गया है। एतमात विधानसभा को लेकर के साथ हैं। क्या नाम है आपका? विजय। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आज कार्यक्रम बढ़िया लगा। क्या देखने के लिए यहाँ पर आए थे? देखने के लिए आए थे जनता की भीड़ भगाड़ देखने के लिए आए थे। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आ रही है? मायावती की सरकार। बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम है और बहुजन समाज पार्टी के ही यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें कि एतमात्र विधानसभा 86 आगरा की वो विधानसभा है जो हॉट सीट है। यहाँ पर आंकड़ा 1-1 होता है, हर किसी की निगाह एतमातपुर पर ही टिकी होती है क्योंकि एतमातपुर एक ऐसी विधानसभा है जो अपने आप में विख्यात है। कुछ साथी यहाँ पर भी हैं, जानते हैं दादा। क्या नाम है दादा आपका? ज्ञानेंद्र कुमार। क्या कहना चाहेंगे दादा आज के कार्यक्रम को लेकर? नहीं पूछा भी नहीं था। मैं बता ले देखो जी। क्या कहना चाहेंगे भाइयों, मेरे साथियों, आज जो ये हमारे बहुजन समाज पार्टी ने, हमारे माननीय सर्वेश बघेल जी ने ये कार्यक्रम किया है, मैं उम्मीदें रखता हूँ कि आगरा की सभी विधानसभा क्षेत्रों से, हमारी एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी सर्वेश बघेल जी को हमारी माननीय बहन जी ने इन्हें समझा है इस लायक, तो मैं मानता हूँ कि शायद ही कोई विधानसभा पे इतने मतों से कोई प्रत्याशी जीतेगा जितना कि विधानसभा क्षेत्र में, और हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं और विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हमारे माननीय सर्वेश बघेल जी लड़ रहे हैं इनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे और बहन जी सरकार को 5वीं बार मुख्यमंत्री बहन जी को बनाएंगे। बात राजनीति की हो या बात किसी क्षेत्र की हो, हमेशा महिलाएं आगे रहती हैं। कहा जाता है कि नारी शक्ति सर्वोपरि है, नारी हमेशा से ही आगे रही हैं। किसी भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज सेवा हो, किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, लेकिन नारी हमेशा आगे रहेगी। आप देख सकते हैं मेरे साथ में नारी शक्ति मौजूद है, इनसे जानते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर क्या रहा। स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आप तो नारी शक्ति हैं, आगे रहती हैं सबसे। कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम और अपने बीएसपी की सरकार को आगे बढ़ाना चाहूँगी मैं, बहन मायावती को सरकार में आगे 2022 में लाना चाहूँगी। और क्या जी बता है, जब पुरुषों के साथ में महिलाएं भाग लेती हैं। एक और हमारे साथ में बहन जी, इनसे बात करते, क्या नाम है आपका? नीरा देवी। क्या कहना चाहेंगे आज के सम्मेलन को लेकर? बढ़िया लगा आज के सम्मेलन में। किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? मायावती, बहन मायावती को। मायावती जी को। अब कहाँ से आई हैं आप? नंगला किशनलाल से। नंगला किशनलाल से, आगरा। देख सकते हैं आप कितनी दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे जानना। क्या नाम है आपका? कमलेश। अच्छा, कहाँ से आई हैं, कौन से गाँव से आई हैं? नंगला किशनलाल से। नंगला किशनलाल से आई। थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगा, आपके गांव में शौचालय वगैरह, राशन कार्ड वगैरह सब सुविधाएं मिल रही हैं सरकार में? हाँ, राशन कार्ड है, कोई सरकारी स्कूल नहीं है, बच्चों के लिए सुविधा नहीं है, बस बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा नहीं है। सरकारी नहीं है। हाँ। आज का कार्यक्रम कैसा लगा? क्या अच्छा कहना? लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं नंगला किशनलाल से हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और जो आप कहना चाह रहे हैं वो भी मैं बताऊंगी। जो राशन मिल रहा है 1 यूनिट पर 1 किलो कटके मिल रहा है, तो हमको क्या मिल रहा है? 1 यूनिट पर 1 किलो कटके मिलता है। अच्छा, आपने इसकी शिकायत प्रधान वगैरह से कई बार किया है, ऑफिस भी गए हैं। प्रधान क्या कहता है? वो ये कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है और घर तोलते हैं आके तो कटा हुआ मिला है। घर तोलते हैं तो कम बैठता है। बिल्कुल, तो आपको शिकायत करनी चाहिए, एतमादपुर में शिकायत करनी चाहिए राशन सप्लाई। नहीं आए, हम कमला नगर ऑफिस में गए थे, वहाँ पे टेबल खोजने का ये कह दिया आपका पत्ती नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं तो महिलाओं के साथ में छलावा होता आता है और यह आपको बता रहे थे, ये जिस तरीके से यहाँ पर राशन की कटौती है, देखते रहिए।